मेरे बच्चे, खुदा जानता है कि मेरी नजर में तुम्हारे और मुख्तार के दरमियान कोई फर्क नहीं। तुम्हारा गम तुम्हारी माँ दुम्मा का गम और तुम्हारे भाई मुख्तार का गम है। मैं तुम्हें ये कहने नहीं आई हूँ कि गम न खाओ और बेताबी ना करो। बीवी और बच्चे का दाग जानलेवा होता है। हम सभी मौत के रास्ते के राही हैं। हजरत इज़राइल किसी का लिहाज नहीं रखते। अपनी माँ की मानो तो मैं कहती हूँ कि इस गम को इतना खुद पर तारी ना कर लो कि ये तुम्हें खाना नशीन करके तुम्हारे दुश्मन की खुशी का बाइस बन जाए। यह काश श्री बानो महल से जाने में जल्दी से काम ना लेती। मैंने उसे बहुत रोका मगर गोया महल के तमाम दरो दीवार उसे बहुत चुभने लगे थे। यहाँ पर शायद मौत उसके इंतजार में थी और उसे महल से खींच कर ले आई। इंसान चाहे कुछ भी कर ले अपनी मौत से नहीं भाग सकता। मैं आपके आंसुओं के साथ आंसू बहाने और यूं अपने आप को सुकून देने के लिए आई हूं। शीरीन और हैदर के दाग ने हम सबको सौगवार कर दिया है। मैं जानती हूं कि आपका दर्द बहुत बड़ा है। श्री उस मोती की सी थी जो आपके पास देर से आई और जल्दी चली गई। ये भी इश्क के राह और रस्म है कि आप तन्हाई को अपना रफीक बना बैठे हैं। शीरीन महल से इसलिए गई ताकि जो से मतलूब था उसे पा सके। अरे भाई रानी मलका आलिया, अपना बोरिया बिस्तर बांध दो। आज से हम अरब अशराफ की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो ईरानी निजात की तहकीर करते हैं कूफे के महल में रहेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि अब से तमाम उमरा वुजरा और कयाम मुख्तार के तमाम सरकर्दा अफराद अपने घर वालों समेत कस्र कूफे में रहेंगे। ये अमीर मुख्तार का हुक्म है। तुम्हें बचपने की सूझी है क्या? तुम्हें वाकई खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है मुझे शीरी बानो। मैं तो इतना खुश हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है कि चीख चीख के सुनाऊं ताकि मेरी आवाज तमाम अरब के जाहिल कौम परस्तों को पहुंचे। सालों से अरब की जहालत ने हमारी निजात की तहकीर की है। आज हमारी खुशी का दिन है। तुमने क्यों मुंह बना लिया शीनी? कियान, तुम जब भी अरबी और ईरानी निजात की बातें करते हो मुझे बहुत डर लगता है। तुम अली के शिया हो। अली का चाहने वाला कौमी और नस्ली तासुबात की बातें नहीं करता। मैं जानता हूं शीरी, तुम यकीन करो मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा, मगर सालों साल जदों को तोहीन और तहकीर देखने के बायस मैं मजबूर हो गया कि अपनी खुशी का इजहार करूं। मैं बच्चों की तरह खुशी से उछल रहा हूं कि असीदी का वक्त खत्म हो गया है, अब आजादी और सरदारी का वक्त है। उठो, हमें जल्द से जल्द घर से निकल जाना चाहिए। बहुत सी औरतों की आरजू होती है कि उनका महलों जैसा घर हो। शायद तुम्हें यकीन ना है क्यान, मैं अपने इस पुरसुकून घर का महल से तबादला करने पर तैयार नहीं हूं। हमारा महल से क्या वास्ता? देखो शीरी, मसलहत कयाम का तकाजा है। हमें ना चाहते हुए भी कुछ अरसा महल में रहना होगा। कैसी मसलहत क्यान? आप लोगों का ये दावा है कि आपका क्याम मौला अली की खूबू रखता है। मौला अली महल में ठहरे थे क्या? तुम कैसी बातें कर रही हो शीरी? हमें हमेशा हमेशा के लिए महल में थोड़ी रहना है। क्याम के दुश्मनों ने और अहले शर ने क्याम को बर्बाद करने की ठान ली है। इब्राहिम और उसकी फौज के जाने से कूफा क्याम के सिपाहियों से खाली हो गया है। मेरे जासूसों ने इत्तला दी है कि शिम्र और शबस जैसे खबीसों ने यह मंसूबा बनाया है कि कयाम के सरकर्दा अफराद के घरों पर हमला करके उनके घर वालों को लुकमा बना ले और कयाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। मैंने तुमसे इश्क का बंधन जोड़ा है क्यान। अगर तुम मेरी जान भी मांग लोगे तो दरेग नहीं करूंगी। काश मुख्तार दुश्मन की चालबाजियों से निमटने के लिए कोई बेहतर हल ढूंढता। मैं जहन्नुम जाने के लिए राजी हूं मगर कसर नहीं। शीरीन का कातिल हूं, शीरीन का कातिल हूं।
कातिल हूँ शीरी। मैंने अपने हैदर को मार डाला। खुदा की पनाह, बेचारा पागल होता जा रहा है। बकवास मत करो ना रिया, बात करने से पहले मौका महल देख लिया करो। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, आप खुद तो देख रही हैं, कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है। मैं ही शीरी और हैदर की मौत का बायस बना। तुझे उर्मिला को मारने की ऐसी क्या जिद थी बदबख्त, बदबख्त। अपने आप को संभालो ज्ञान, तुमने अपना फर्ज निभाया है, अपने आप को कसूरवार क्यों ठहराते हो? हमने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया था। हम? यानी कौन लोग? यानी वो तमाम लोग जो खून हुसैन के इंतकाम के बहाने तलबगार हुकूमत थे। तो इसका मतलब तमाम शहदा का खून मुख्तार के सर है। मैं मुख्तार को कुछ नहीं कह रहा, मैं फिलहाल सिर्फ अपना गिरेबान नोच रहा हूँ। मेरी आज की ये मुसीबत मेरे अमाल की सजा है, हट जाने की सजा से रात मुस्तकीम से। क्या तुम मुख्तार से जुदा होना चाहते हो? मैं अपने अंदर के शैतान से जुदा होना चाहता हूँ। कयान के इस्तीफे देने की खबर मुख्तार की कमर तोड़ देगी। दुम्मे जान, ये खबर आप ही मुख्तार को सुनाइए, मुझ में तो उसकी हिम्मत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि मुख्तार को बहुत खुश होना चाहिए, उसने ईरानियों से दोस्ती का खमियाजा कुछ कम नहीं भुगता। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं। अगर कियान चला जाए तो अरब के बड़े बुजुर्ग मुख्तार से दोस्ती कर लेंगे। आखिर तुम कब ईरानियों की दुश्मनी से दस्तबरदार होगी नारिया? कियान और मुख्तार बहुत पुराने दोस्त और साथी हैं, जवानी से एक साथ रहे, एक दूसरे के फिराक को नहीं सह सकते। आपने सुन तो लिया दुम्मा जान, वो मुख्तार का कसूरवार ठहरा रहा था। अगर उसे शर्म माइल ना होती तो अपनी बीवी और बच्चों का खून भी मुख्तार के साथ थोप देता। इस्तग़फ़ार करो नारिया, क्यान सोगवार है, बीमार है और बुखार में पड़ा है। अगर कोई गलत बात कह भी दे तो उसका कोई कसूर नहीं है। बहुत हुस्न ज़न से काम लेती हो। क्या हुआ दुम्मा जान? क्यान किस हाल में है? क्यान को बहुत भयानक चोट पहुंची है बेटा, उसे ये तवक्को ना रखो कि इतनी जल्दी कमर सीधी कर लेगा। कियान बच्चा नहीं है अम्मा, उसने सारी जिंदगी जहाद किया है, जमाने का हर अच्छा बुरा सह चुका है। जिसने अशुर को दर्द कर लिया हो उसे इन मुसीबतों पर गलबा पा लेना चाहिए। कुछ वक्त लगेगा बेटा, उसे कुछ अरसे इस तन्हाई में रहना होगा ताकि इस मुसीबत का दाग उसके लिए आसान हो जाए। मुख्तार, तुम्हारा दोस्त कियान इस्तीफा दे चुका है, वो अब तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता। वो क्यों? जाहिर सी बात है, क्यान बीवी बच्चे का दाग उठाए और मुख्तार कोई गम ना सहे। ये किस तरह का फैसला है औरत? हकीकत कड़वी ही होती है मुख्तार, आखिर क्यान का तुम्हें पीठ दिखाकर इस्तीफा देने की क्या वजह है? मुख्तार ने उसकी बीवी और बच्चे को मारा है या हुरमला ने? अगर उसकी दाढ़ी में कोई चोरों वाला टिंका ना होता तो वो हुरमला के खून का मजीद प्यासा हो जाता, ना कि पीछे हट जाता। बकवास बंद कर औरत, तुम्हारी जबान के बिच्छू ने हमेशा बेचारे क्यान को डंक मारा है। आखिर तुम कब तक इस अंधी और जाहिलाना दुश्मनी को आगे बढ़ाना चाहती हो? अगर मैं ये कहूँ कि कियान का आज पीछे हटना तुम्हारे सालों से कीना तोजी की वजह से तो गलत ना होगा। आखिर कियान को मुख्तार के रकाब में क्यों रहना चाहिए जबकि उसे मुसलसल मुख्तार के घर वालों से तहकीर और तौहीन का सामना करना पड़ता? मुख्तार, मैं पुलिस सिरात पे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सुन रही हो अमरा? जब से बादशाहत मिली है इसकी आवाज ऊंची हो गई है। मुझे शक है तुम्हारे दिल में बाल बच्चों और अपनों की जरा सी भी मोहब्बत होने में। तुम्हारा बाप और भाई ईरानियों के हाथियों के पांव तले दबके मर गए और तुमने न जाने कैसे अपना दिल ईरानियों को निकाल कर दे दिया है। तुमने वैसे भी ईरानियों के लिए बहुत कुछ किया है, जरा अपना तख्त ताज भी क्यान को निकाल के दे दो ताकि तुम्हें नजर आए कि वो कैसे खुशी के मारे अपने बाल बच्चों का गम भूल जाएगा। अगर मुझे खुदा का खौफ न होता तो इस औरत को तलाक दे देता। बेटा, अपने सब्र का सवाब जाया मत करो, मुख्तार तुम्हारी तरह के मर्दों को हामिले सब्र अय्यूब होना चाहिए। तुम कुछ बताओ अमरा,
उम्मीद नहीं जाते कियान है कोई। मुख्तार, कियान तुम्हारी रकाबत में मगलूब हो गया है। रकाबत वो भी मुझसे? हाँ, रकाबत वो भी तुमसे। उसने खतरनाक तरीन और मुश्किल तरीन कामों को अपने जिम्मे लेकर अपने आप को कैम का सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स कहलवाना चाहा था। जब वो हुरमुला से लड़ने में शिकस्त खाता है और अपनी बीवी और बच्चे को भी गंवा देता है तो अपने आप को खो बैठता है। उसने तुम पर, तुम लोगों के कयाम के अहदाफ पर शक किया है। उसका मानना यह है कि मुख्तार ने कयाम की राह में असल रास्ता खो दिया है। ये कयास तो बिल्कुल बेतुका है उमारा। अगर कियान लड़ने की राह से मुनहरिफ हो गया है और अपनी खातिर तलवार नहीं चला रहा तो इसमें मुख्तार का क्या कसूर है? तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। ये जान लो कि कियान का दर्द कयाम की हुकूमत का दर्द है जिसे जल्द से जल्द ठीक हो जाना चाहिए। ज़हमत फरमाई अमीर। मैं मुख्तार हूं कियान। तुम्हारा सालों अच्छे बुरे वक्त का दोस्त, हमारे दिलों को इश्क अली ने आपस में जोड़े रखा है। मकतबे अली में अमीर हो या असीर, शाह हो या भिखारी, शर्त सरबुलंदी सिर्फ उसका इश्क है। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो चला आया। खुशामदीद मुख्तार। तुम भी खुश रहो आधी राह के साथी। मुख्तार और कियान हूं या ना हूं, अली का रास्ता और मजहब जिंदा रहेगा। आखिर कब तक सियापोश होकर ताजियत में रहना और हमसे दूर रहना चाहते हो? मुझे नहीं मालूम मुख्तार। मैं न तो शीरीन के लिए अच्छा शौहर बन सका और न हैदर के लिए अच्छा बाप। मेरी सारी जिंदगी सिर्फ सफर और खतरों से भरी हुई थी। काश एक बार शीरीन अपना शिकवा बयान तो करती। वो मेरी जबरदस्तियों पर राजी रहती थी और कुछ भी न कहती थी। इस बात पे कुड़ना हूं कि शीरी और हैदर को बेबसी में मारा गया, यहां तक कि किसी ने उनकी चीख भी नहीं सुनी। काश उर्मला मुझे मार डालता, मुझे उसका बदला चुकाना हो। मेरी बीवी और बच्चे का कत्ल मेरे सर है जो कि इंतकाम की प्यास में उछल रहा था। रास्ते की हकानियत पर शक वहां तक सही है जब तक ये कुफ्र तक न ले जाए। क्या तुम्हारे घर वाले मौला हुसैन के घर वालों से ज्यादा बेकस थे? जो जुल्म तुम पर हुआ वो हमारे मौला हुसैन पर होने वाले जुल्म के सामने सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। जो भी इस राह में जितना ज्यादा मुकर्रब होगा वह ज्यादा मुसीबतें उठाएगा। खुदा की कसम, अगर सालों जो हम साथ मिलकर जुल्म और जोर से लड़े हैं, अगर एक बार भी मुझे तुमसे रश्क हुआ है तो वो यही होगा कि तुमने बीवी और बच्चे का दाग देखा और मुख्तार ने नहीं देखा। तुम इस वक्त हम सबसे ज्यादा मौला हुसैन से नजदीक हो। तुम्हारा दिल कैसे मानता है, तुम्हारा दिल कैसे मानता है कि रास्ता मुड़ के चले जाओ जालिम?
रो रही हो उमरान? नहीं, मैं तो नहीं रोई। तो बानू की आंखों पर घूमने वाले मोती प्यार की वजह से हैं? मजा नहीं आया। कभी कभार मजा ना आने में ही मजा होता है। कहीं महल को छोड़ना तुम्हारे लिए दुश्वार तो नहीं? हुँ? मैंने इन पत्थरों के महल में उम्र गुजारी है। अगर इन सुतूनों से मुझे मोहब्बत हो गई होती तो मैं मुख्तार की बीवी ना बनती। जवाब दंदान शिकन है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बानो किस बात पर गमजदा है? मुझे याद आ रहा है, सर भी याद आ रहा है मुझे। उसके साथ महल में आई थी, उसके बगैर जा रही हूँ। खुदा उसकी मगफिरत फरमाए। अगर वो होता तो अभी दरवाजे पे खड़ा होता और चिल्ला रहा होता, जल्दी कीजिए बीबी जी, जल्दी कीजिए, मैंने ऊंट पर कजावा रख दिया है। बेचारा बेजबान जानवर तकलीफ में है, तकलीफ में है वो। खुदा उसकी मगफिरत करे। जरबी नौकर नहीं था, गुहारे नायाब था। मेरे लिए तो वो एक माँ से ज्यादा चाहने वाली दाया की तरह था। मेरे लिए लफका का मतलब है बदहोश करने वाली खुशबू, लहरों की शरशर की आवाजें, मुर्गे की सुबह की अजान, खेतों में तेज हवा की आवाज और सरबी, वो भाई जो दरख के साए की तरह मेरे लिए एक हक न जताने वाला शख्स था, जिसके साए तले में लफका की गर्म हवाओं से महफूज रहती थी और उसे बार बार तंग करती थी। एक दफा भी उसने बदतमीजी से जवाब नहीं दिया। लफका का इलाका जंगल की भेड़ों और कुत्तों की खौफनाक आवाजों के साथ सरबी के बगैर बहुत डरावना होगा। आप मोहतरम ख्वातीन उन घरों की चश्मो चराग हैं, जिनकी एक एक ईंट आपके मर्दों की पेशानी के पसीने के मरून मिन्नत। जिन जवानों ने अपने काम काज छोड़ दिए हैं, तलवारें हाथों में ले ली हैं, ताकि अपने शर्फ, दीन और नामूस का दिफा करें। जो रौब और वहशत कूफे के अशरार ने दिलों में डाल दिया था, उसने हमें मजबूर कर दिया कि कुछ अरसे इस बड़े महल के मेहमान हो जाएं। जानता हूं कि आप में से अक्सरियत को यह पसंद न था और महल में रहना आपके लिए नहायत दुश्वार था। मरहूमा शीरी बानो भी इस बात का एक बड़ा नमूना थी, जो महल में रहने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर दिल पर जबर करके मजबूरन यहां पर ठहरी रही। काश वो चंद रोज और सब्र कर लेती और हमें अपना सोगवार न बनाती। तुमने कब से आईना नहीं देखा? क्यों? तुम्हारे सर और दाढ़ी के बाल तुम्हारे दांतों के रंग के होते जा रहे हैं। तुम्हारे ख्याल से ये कैसी निशानी है? इस बात की अलामत है कि तुमने इक्तदार के सरकश घोड़े को लगाम दे रखी है। तुम इक्तदार पर सवार हो, इक्तदार तुम पर सवार नहीं। बड़े लोग बड़े बोझ के तले कमर नहीं झुका लिया करते, बाल सफेद कर लेते हैं। तुम्हें अदल इंसाफ का कम है मुख्तार, लिहाजा अपने आप पर जुल्म मत करो, थोड़ा बहुत अपनी फिक्र भी क्या करो। अदल से हुकूमत करना, तेज तलवार पर अपनी गर्दन रख देने के बराबर है। एक लम्हे की भी गफलत कर ली तो शहर कट जाएगी। मैं जिस कदर हुकूमत के मामलात में आगे बढ़ता जा रहा हूं, उतना ही मेरे मौला अली की मजलूमियत मुझे समझ में आती जा रही है। मौला अली की तकलीफों का इधर जानलेवा है उमर। उसका सबसे छोटा असर बालों का सफेद होना है। अब जबकि खुदा के लुत्फ व करम से लईनों का शर खत्म और खतरा तमाम और अमन नियत बरकरार हो गई है, बेहतर है कि आप भी अपने सादा और हसीन घरों को लौट जाएं। अपने हुजरों की गर्द गुबार और मकड़ी के जाले खत्म कीजिए
आपकी मुर्गियां, बतखें और बगीचे आपके दाने पानी के मुंतजिर हैं। जाइए और अपने घरों में इश्क की आबो हवा को दोबारा कायम कीजिए। अमीर मुख्तार बजादे खुद आप लोगों के महल से जाने के बारे में इजाजत देने आना चाहते थे, मगर मैंने पेश कलामी की और उनके दिल की बात आपके हुजूर में अर्ज कर दी। खुदा जानता है कि मुख्तार, मैं और आपके शोहरों में से किसी एक ने भी कयाम से विरासत पाने की नीयत से तलवार नहीं चलाई। अगर मजबूरी न हो तो महल में रहना हमारे लिए गैर पसंदीदा बात है और कयाम की ख्वाहान अदल हुकूमत को बदनाम भी करता है। फी अमानिल्लाह। मरहबा अब्दुल रहमान, हम शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमारे बदले जहमत की और हमारे बोझ को हल्का कर दिया। जो झूठे अफराद हमें कज़ाब, हमारे क़याम को बेमानी और हमारी हुकूमत को गासिब ठहराते हैं, उनका सारा खौफ हमारे अदलो इंसाफ से है। अदल के तरफदारों का एक नज़रिया ये भी है कि साहिबान मनसब हुकूमत आम लोगों की तरह जिंदगी बसर करें। हाय, गोया कोई ख्वाब देख रहे थे। अब हमें दोबारा अपने उसे कीड़े मकोड़ों से भरे घरों की तरफ लौट कर जाना पड़ेगा। बेफिक्र रहो बहन, कूफे में जिधर देखो शेमल खोलिया और हरमला जैसे लोगों से भरा पड़ा है। मेरे ख्याल से फिर हम इस जन्नत के मेहमान बन जाएंगे। खुदा करे तुम्हारी बात पूरी हो बहन। तुम चुप क्यों हो उमरा? तुम्हें तो इस खबर से खुश होना चाहिए। उम्मे साबित की जबान के डंग से तुम्हारी जान छूट गई। मुख्तार के लिए फिक्रमंद हूँ राहिला, वो जमीन से उखड़ता जा रहा है। तुम परेशान मत हो, मेरे और तुम्हारे लिए हमारे मर्दों की याद ही शौहर कहलाती है। मेरा दिल तो बेकरार है उस आशियाने के लिए जो इब्राहिम की खुशबू से भरा हुआ है। मुझसे मिलने आओगी ना उमरा? जिंदगी रही तो आऊंगी इंशाल्लाह। सुकून मिल गया। खुदा तुम्हारे बाप की मग़फ़िरत करे मुख्तार, कितना अच्छा काम किया इसने हमें इस कैद खाने से छुड़ा के। मैं तो मर गई थी बच्चों की टियां टियां सुन सुन कर। इतनी सारी गरीब और बेढंगी औरतों के रेवड़ के साथ मिलकर रहने की कौन हसरत करता है? कोई भी जगह इंसान के अपने घर के जैसी नहीं होती। अबू मुफलिस, खलीफा ज़ुबैरी को लिखो कि हम आपके अहकामात के ताबेदार हैं। हमने सुना है कि बनी उमैया ने हिजाज की तरफ हमले की ठान ली है। हरम बैतुल्ला का दिफा हर मुसलमान पर फर्ज है। लिखो कि अगर हमारी मदद की जरूरत महसूस करें तो मज़ायका न करें। खुदा का लश्कर जहाद के लिए तैयार है। जी अमीर। हम खलीफा के अहकामात के ताबेदार हैं। बनी उमैया ने हिजाज की जानिब लश्कर कशी की है। हरम बैतुल्ला का दिफा हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत है तो मुजायका न फरमाइएगा। खुदा का लश्कर जहाद के लिए तैयार है। वस्सलाम। मुख्तार इब्न अबू उबैद सकफी। मालूम हमें बेवकूफ बनाना चाहता है। ये लंबा चौड़ा झूठ आप सबने बगौर सुन लिया। हमारे हाकिम से लड़ा है, उसे कूफे से निकाल चुका है, सारे मजे लूट चुका है और फिर खत में हमारी इताअत की बातें करता है। शैतान कहीं का। ऐसे खतो किताबत कर रहा है कि जैसे हम, कहना नहीं चाहिए, गधे हैं। इराके अरब बाढ़ में जाए, मगर इन इस तौहीन का क्या करें? मेरे ख्याल से
मुख्तार के इस साजिशी मीठी लहजे के पीछे कोई बड़ी चाल है। जाफर, शक न करो। मुख्तार इस खतो किताबत और दिलसोज माँ के लहजे के जरिए हमारे गुस्से से बचना चाहता ताकि पुरसुकून होकर फतेह मुसिल पर तवज्जो दे सके। यकीन करो जाफर, इब्ने मरजाना पर गलबा पाने के बाद हमारे खिलाफ तलवार उठाएगा। शाबाश। माफी चाहता हूँ भाई, आप मुख्तार की मक्कारी से वाकिफ हैं, तो हमले का हुक्म क्यों नहीं देते? फिलहाल ये मसलहत के खिलाफ है कि हम उससे पंजा आजमाई करें जाफर। माफी चाहता हूँ भाई, आप मुख्तार की मक्कारी से वाकिफ हैं, तो हमले का हुक्म क्यों नहीं देते? फिलहाल ये मसलहत के खिलाफ है कि हम उससे पंजा आजमाई करें जाफर, खास तौर पर जबकि वो बनी उमैया के खिलाफ खड़ा हुआ है। इब्ने ज़ियाद का शर दफा करना तमाम मुसलमानों के मफाद में है। अभी दरायत और सियासत के साथ इस बागी जानवर को महार किया जा सकता है। ये लो मखज़ूमी, ये रहा तुम्हारी इमारत का हुक्म। और ये रहे 30,000 सोने के सिक्के। ये कोई छोटी रकम नहीं है। इस रकम से कम आधे खाने काबा को सुनहरा किया जा सकता है, जो मेरी बहुत पुरानी आरजू थी। मगर अफसोस के कूफे पर तसल्लुत पाना खाने काबा को रौनक बख्शने से ज्यादा वाजिब है। मुख्तार के मुताबिक जैसा कि उसने लिखा है, हमारा ताबेदार है, उसे कूफा तुम्हारे हवाले कर देना चाहिए। अगर हवाले ना करे तो? फिर उस सोने के ढेर से एक लश्कर बनाओ और उसके शर को दबा कर दो। देखो कैसे जगमगा रहे हैं। इतने सारे सोने से तुम सारे जहां की आंखों को अंधा कर सकते हो। क्या आपके मुताबिक ये हो सकता है? ये बहुत ही आसान काम है मुसलमान। कितने अहमक हो तुम। अगर ना हुआ तो अपने इस बड़े से सर को बसरा की तरफ मोड़ लेना। जाफर, क्या तुम समझते हो कि उमर इब्न अब्दुल रहमान मखज़ूमी इस मैदान के काबिल है? अभी निकला नहीं है यहां से और इसका पजामा ठीक कर। माफी चाहता हूं भाई, इतना तो मान जाइए कि ये गले में फंसने वाला निवाला है, उसका हक है वो घबराए। मैं उसे समझा दूंगा। मेरा दिल इतने सारे सोने पर जल रहा है जाफर, मुझे डर है वो इन्हें जाय ना करते। बहरहाल मैं तुम्हारी राय पर भरोसा करता हूँ जाफर। सिर्फ इतना करो कि सोने के ढेर को मेरे पछताने से पहले मेरी नजरों से दूर कर दो। रही नए गवर्नर की कीमत। कितने हैं ये? 70,000 दिनार। वाह,
ये कुछ ज्यादा नहीं, ये तकरीबन उस रकम की दुगनी है जो जुबैर के बेटे ने नए गवर्नर को दी है। चारा कोई नहीं, मुझे उम्मीद है कि इस रकम को देखने से गवर्नर साहब लालच में पड़ जाएंगे और कूफा के अलावा किसी और जगह इमारत के लिए चले जाएंगे। कबूल ना करे तो? कबूल ना करे तो तुम्हें दूसरी जबान में बात करनी होगी। दो ऊंट और एक सवार, वैद है कि वो मुख्तार की जानिब से हो। क्यों वैद है अमीर? अगर मुख्तार सरकशी करना चाहे और खुदे को हमारे हवाले ना करे तो उसके लिए वो एक ही कासिद भेजेगा। अगर वो खलीफा की इताअत करना चाहे और अपनी जबान पर कायम रहे तो उसे एक बड़ा काफिला शान के साथ और दबदबे के साथ हमारे इस्तकबाल के लिए भेजना चाहिए था। ये कारमा तो किसी से भी शबाहत नहीं रखता। अनतन, मुख्तार का सिपाही तो तुम्हारा कत्ल वाजिब है। क्यों? क्योंकि तुम मुख्तार के आदमी हो। मुख्तार का आदमी होना जुर्म है क्या? मुख्तार और उसकी पूरी हुकूमत अजमों की हिमायत की वजह से मुजरिम है। ऊंटों पर क्या लदा हुआ है? तिला। तिला? हाँ, 70,000 दीनार है। यकीनन उन अजमों के हकूक होंगे जो मुख्तार और उसकी हुकूमत के नाम पर उछलते हैं। जी नहीं, कीमत है नए गवर्नर कूफा की। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जरूर कोई गड़बड़ है। आप कहें तो इन डाकुओं को मार भगाएं। इससे क्या होगा? एक तेवर दिखाएंगे तो कूफे वाले आपको बासानी कबूल कर लेंगे। चंद डाकुओं को भगा देने से तो कूफे वाले हमारे कुदरत के रोब में नहीं आ जाएंगे, खास तौर पर कूफे वाले जिनकी तलवारें उनके दिमाग से ज्यादा चलती हैं। इस बड़े खजाने की बरकत से इसकी जान बख्श देते हैं और घोड़े और ऊंटों को ले जाएंगे। तुम्हें बहुत खुजली है। इस खजाने से नाजुक बदन कनीजे खरीदेंगे ताकि वो हमें खुजाएं। तो तुम्हारा सर तुम्हारे बदन पर बेचैन हो रहा है। अच्छा मजा कर लेते हो तुम चिलगोजे। शायद मुझे अपनी मिर्चों वाली तेजी तुम लोगों को दिखानी पड़ेगी। अगर इन ऊंटों को तुम लोगों ने हाथ भी लगाया तो अपने कत्ल के खुद जिम्मेदार होगे। इसे चबाओ, हम भी देखते हैं कितना तेज है। क्या अजूबा है ये शख्स, गजब का लड़ाकू है। ये गजब का मौका हमारी नजरों के सामने कोई हिकमत जरूर रखता है। कैसी हिकमत अमीर? मुझे नहीं लगता कि मुख्तार को फिको मारे हवाले करना चाहता है। से दुगनी है।
मगर मैं पागल ही होऊंगा जो कुफे की हुकूमत की कुर्सी को 70,000 दीनार के बदले बेच डालूं। मर्जी है आपकी, चाहे तो ना बेचे। अगर ना बेचूं तो क्या करोगे? मैं तो एक मजबूर सिपाही हूं, अगर ना बेचेंगे तो आपको मुख्तार से लड़ना होगा। अगर चाहे तो इसकी फौज की एक झलक देख सकते हैं। वो सब ऐसे जंगजू हैं कि मुझ जैसे लोग उनके मुकाबले में है ही चाहिए। मैंने कहा था ना कि इस मार्के के पीछे कोई हिकमत छुपी हुई है। गैरन मुख्तार से सौदा करने के अलावा और कोई चारा नहीं। शेरों की तरह आए हो या गीदड़ की मानिंद हार के आए हो? तो क्या मैं गीदड़ों की तरह नाकाम हो जाता? जाहिर है कि मैं कामयाब हो गया हूं। मर्द मुकाबल पहले तो नहीं मान रहा था, मनसूबे के मुताबिक जब लश्कर के परचम उसे दिखाए तो उसके चिरे का रंग उड़ गया। यह हमारी तरकश का आखिरी तीर था। जुबैर के बेटे को अगर हमारी चाल का पता चल जाए तो हमारे मक्के से मरासिम खराब हो जाएंगे। बिलाखिर उसे खबर तो जरूर पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है कि इब्ने जुबैर को खबर मिलने से पहले इब्राहिम इब्ने ज़ियाद का काम तमाम कर चुका होगा। मेरे ख्याल से अगर तुम इन 70,000 दीनार को इब्राहिम के लश्कर पर खर्च कर देते तो जल्दी मकसद तक पहुंच जाते। इब्राहिम को दीनार नहीं चाहिए ज़ायदा, उसे वक्त चाहिए। खुदा करे कि खुशखबरी हो तुम्हारे पास। ऐसा ही है, नसीबैन के गवर्नर ने जब खत को देखा तो उसे चूम के आंखों से लगाया और तस्लीम की अलामत के तौर पर हाथ उठा लिए। अब वो आया है ताकि बैत कर ले और एक साल का खिराज भी साथ ले आया है। कहाँ है? उन टीलों के पीछे है, मैं जल्दी आ गया ताकि इत्तला दे दूं। इब्ने लुगायत। जी अमीर। आप लोग यहीं रुकिए, सिपाही कुछ सुकून का सांस ले लेंगे। मैं गवर्नर से मुलाकात के लिए जा रहा हूं। जी अमीर। बहुत खुश नजर आ रहे हो भाई। क्यों नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे आज समझ आया है कि मालिक अश्तर का बेटा होना कैसी दौलत और नेमत है। नूर बरसे आपकी कब्र पर बाबा। उसने जब हमारे मरहूम बाबा का नाम सुना तो अन करीब मेरे पांव चूमने के लिए झुकने वाला था। मालिक की मीरास उसकी इज्जत और आबरू है। मालिक की इज्जत और आबरू मोहब्बत अली है। दुआ करो कि हम अच्छे बेटे साबित हों और उनकी लाज रख सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। व अलैकुम अस्सलाम, अहलन व सहलन। आफरीन है इस तवाज़ो और इनके सारी पर। आपकी मेजबानी हमारे लिए फख्र और सरबुलंदी का बाइस है। हसब व नसब की गुफ्तगू करना तौहीन है। आपके मरहूम वालिद दुनिया जहां की इंसानियत के लिए बाइस फखर थे। अगर सूरज भी मालिक अश्तर का नाम सुनकर सर खम ना करे तो उसने जसारत की है। हम तो फिर खाक के जर्रे हैं। ये एक नाचीज सा तोहफा है नसीबैन के लोगों की जानिब से। ये सालाना खराज है जो आज से पहले शाम के गासिब हुकूमत को पेश करना पड़ता था। उम्मीद करते हैं कि आप कबूल कर लें और हमें शर्मिंदा ना फरमाएं। मैं मशकूर हूं जनाब गवर्नर।
अमीर इब्राहिम इब्ने मालिक के अश्तर 3,000 से ज़ायद इराकियों के साथ शहर नसीबैन तक पहुंच गया है। हाकिम शहर ने उसकी बैत कर ली है और उसने वादा किया है कि उसके लश्कर के खाने पीने और खराज का पाबंद रहेगा। हमारे रास्ते की थकन उतरने का इंतजार करते उसके बाद ही के बेटे की खबर हमें सुनाते। आप पे कुर्बान जाऊं, आपने खुद ही सिखाया है कि जंग की खबर नमाज सुबह की तरह है, अगर देर से हरकत करोगे तो कजा हो जाएगी। क्या ये मिसाल हमारे जरिए अकवाल में से है? जी अमीर, एक गोहरे नायाब है आपकी जबान से। अच्छा ठीक है, तमाम तर नुमाइंदों और सरदारों को मुतला कर दो के इजलास के लिए आ जाए और खाना भी हमारे साथ खाए। जी अमीर। फिर कहाँ गुम हो गए? फिर ऊंट के ख्वाब के बारे में सोचने मत लग जाना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है उससे। उस ऊंट के बैठने की फिक्र के बजाय अश्तर के खड़े हो जाने की फिक्र में पड़ गया हूं। मुख्तार, मालिक अश्तर के बेटे के बगैर भी एक खतरनाक मद्दे मुकाबले है। जिस दिन उस मुर्दार यजीद के हुक्म पर मैंने मुख्तार को आजाद किया था, मैं समझ गया था कि किसी ऐसे दिन मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अश्तर का नाम ही हर बहादुर सिपाही को डराने और जंग से पहले ही औरा देने के लिए काफी है। अश्तर का बेटा अपने बाप मालिक अश्तर की निस्बत से एक बड़ा नाम है, मगर ज़ियाद का बेटा भी कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है। मैंने तो वो दिन देखे हैं कि उम्र आस को इब्ने ज़ियाद के पास सियासत सीखनी चाहिए थी। अमीर, शाम का लश्कर नसीबैन तक पहुंच गया है और हमसे एक मंजिल के फासले पर पड़ाव डाल चुका है। वो तकरीबन 20,000 अफराद हैं। मरजाना के बेटे की सुना है कि मजूसियों और बेदीनों से जहाद करने की नीयत से गुस्ले जहाद भी किया है उसने। जाओ जाओ और खबर रसाना को इत्तला दे दो कि इब्ने मरजाना की खबरें मुझे एक एक बारीकी के साथ फौरन चाहिए, हत्ता के उसके खांसने की खबर भी। जी अमीर। सुना तुमने इब्ने लुगैत, इस मलून ने मुस्ताबात को शामियों को धोखा देने का जरिया बना रखा। आखिर ये अबू सुफयान के तरफदारों की जाती खसलत है, तफेन में भी इन्हीं हीलियों के जरिए मौला अली के लश्कर को फरेब दिया इन्होंने। ये खतरनाक जाल है, शियों ने जालों में फंस फंस के इन्हें तोड़ना सीख लिया है। जहारत के गैर मरी जख्मों से खुदा की पनाह। अश्तर और उसका खानदान इराक के सबसे ज्यादा नामी गिरामी लोगों में से है। इराकियों की नजर में मालिक अश्तर हमेशा से बादशाह था और उसका बेटा शहजादा। मुझे तो हैरत है कि उसने मुख्तार की बैत कैसे कबूल कर ली। मैंने सुना है उससे ना चाहते हुए मुख्तार की बैत कबूल की है। मैंने भी सुना है कि अश्तर का बेटा शियों का बड़ा और अमीर होना चाहता था। मुख्तार ने किस चाल से उसे ठंडा किया है ये तो खुदा ही जानता। कोई मंसूबा है आपकी नजर? हमें चारों जानिब से अश्तर के बेटे पर हमला करना होगा। एक तरफ से उसकी अरबी गैरत को छेड़े कि वो अजमों के साथ क्यों मिला हुआ है, और दूसरी जानिब उसकी खानदानी रग को। अगर इराक पर शियों को हाकिम होना चाहिए तो अश्तर का बेटा और उसका कबीला उसका ज्यादा हकदार है कि अजम लोग या सकफी कबीला हुकूमत करे। तीसरी जानिब अश्तर के बेटे की उर्दगाह है जो एहतमाली मुखालफतों के लिए तैयार है। है कुछ ऐसे बागी जो शामियों की माल गनीमत की नीयत से मैदान में आए हैं। मुझे इत्तला मिली है कि पिछले जंग में उन्हें ज्यादा माल गनीमत नहीं मिल सका। चौथी जानिब से वही आम अंदाज से जंग करना है, लड़ो ताकि लड़ें। जब सभी कुछ सोचा हुआ है आपने तो फिर परेशान क्यों है? इब्ने नुमैर, उस जंग से डरो जिसमें तुम ये समझते हो कि जीत जाओगे।
अली का अंदाज क्या, अदल और इंसाफ है। क्या हुआ? मेरे ख्याल से इब्ने हूद है जिसकी आदत है हमेशा मुखालफत करने की, रोजाना किसी बहाने से शर फैलाता है। तुम लोगों ने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? मैं शर्मिंदा हूँ अमीर, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। हमें लगता था कि उसकी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। हमारे लश्कर की तादाद की कोई अहमियत नहीं इब्ने लोगे, नीयत लश्कर कामयाबी की शर्त है। इब्ने मरजाना ने जितना हमारे दरमियान फूट डालने की कोशिश की है, उतनी अपनी लश्कर के शमशीर जनों की तरबियत पे भी नहीं की होगी। एक कीड़ा पूरी की पूरी फसल को खराब कर सकता है। इब्ने हुर जैसे लोग उसी कीड़े की मानिंद है। अली का अंदाज क्या, अदल और इंसाफ है, अदल और इंसाफ है, अली का अंदाज क्या। ये क्या तमाशा है इब्ने हुर? कौन सा तमाशा शहजादे? हम अपने मौला के तरीके का नारा लगा रहे हैं। मौला अली का तरीका उनके चाक दिल मुरीदों पर पोशीदा नहीं है। अली ने अदल की खातिर जान दे दी, तो मौला अली की पैरवी करने वालों को किस जुल्म की खबर देने आए हो? कौन सा जुल्म? मैं गिनता हूँ, तुम लिखते जाओ। बेहतरीन आला नस्ल के घोड़ों, नर्म और गर्म खीमों और मोटे ताजे निवालों, जिरहों और बाकी सामान की तो बात ही नहीं करता। तकरियत के खिराज में से आपने सिर्फ 5,000 दिरहम मुझे और मेरे खानदान को दिए और बकाया मुख्तार को भेज दिए। मैंने उफ नहीं कहा। नसीबैन के खिराज में से फिर हमें एक हकीर सी रकम मिली। क्या ये है अली का इंसाफ? खौफ और खतर हम अपनी जान पर लें और उसके गनाइम मुख्तार और उसके अजीजों को मिलें। जंग के गनाइम मुसलमानों के बैतुल माल से मुताल्लिक होते हैं, जिनसे अच्छी खासी मखलूक के मामलात को चलाना होता है। हिम्मत मेरे और तुम्हारे दरमियान और फौज के दरमियान बच जाए। मुझे ऐसी बेमानी तौजीहात नहीं सुननी। कौम कोई सड़कों पर भूखी नहीं पड़ी हुई कि जिनकी रोटी पानी उनके फौजियों के गनाइम पर चल रही हो। इब्ने हुर, इस लश्कर ने अपनी जान को चंद दिरहम और दीनार के बदले नहीं बेचा कि बकौल तुम्हारे चंद सिक्कों की खातिर बातें बनाकर तफर्रुके में पड़ जाए और माले गनीमत की लालच करें। तुमने माले गनीमत की लालच में तलवार उठाई है तो जा सकते हो, रास्ता खुला है तुम्हारे लिए। वहां जाओ जहां हकीसी रकम के बजाय बड़ी बड़ी रकम दी जाती है। मुझे दरहम और दीनार वाले सिपाही नहीं चाहिए। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेरा पहला फैसला भी यही था। बहुत खूब। जो भी इन हरकतों को बर्दाश्त कर सकता है वो रुक जाए, अपनी उंगलियां अपने कानों में डाले और कुछ ना बोले। इब्ने अश्तर, मैं और मेरे खानदान के लोग जा रहे हैं ताकि तुम लोग हमें अहमक ना समझो। हम जा रहे हैं आपके अमीर से अपना हक मांगेंगे। क्या ये बेहतर ना हुआ कि अमीर मुख्तार को एक खत लिख दे और जो कुछ हुआ उसकी खबर दे दे? कहीं इब्ने हुर की लगाई बुझाई अमीर को हमसे नाराज न कर दे। मुख्तार इससे कहीं ज्यादा होशियार है कि इब्ने हुर जैसों की चालों के जाल में आ जाए, मगर फिर भी खत लिख देना अदब और ताबेदारी का तकाजा है। खुदा के सिपाहियों, मैं इब्ने हुर के इस तमाशे से समझ गया कि आपका दुश्मन शदीद खौफजदा है और वो हमारे दरमियान तफर्रुका डालकर अपने खौफ और हिरास का इलाज कर सके। अगर मेरी मानते हैं तो सुन लीजिए कि जो आवाज भी दूयत की बदबू से भरी हुई हो वो दुश्मन की चाल है।
آج مال غنیمت کے بہانے، کل عرب اور عجم کے بہانے۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ راتوں کو اپنی بیٹھکوں میں جنگ صفین کے تلخ اور غمگین حالات کو یاد کیجیے۔ ہم نے اپنے گھروں کے سکون اس لیے نہیں چھوڑے کہ مال غنیمت حاصل کرنے کی سوچیں، ہم اس مرہم کی تلاش میں آئے ہیں جو ہمارے دل کے زخموں کی دوا بن جائے۔ تیرے براد ہمارے آنسوؤں کی گواہ، ہم اپنے شہید امام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے ہیں۔